सब लोग यहाँ पर हमारे साथ होंगे एट्रियम मॉल में आज, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप नीचे आ जाइए ताकि आप लोग अपने फेवरेट एक्टर से इस ड्रामे के बारे में कुछ पूछ सकें। हैं उसके अलावा इसमें लेजेंडरी आर्टिस्ट मिस्टर उस्मान पीरजादा होंगे हमारे साथ, और जो कास्ट है इसमें शाइस्ता अब्बास हैं जो कि डेब्यू कर रही हैं, और इनके पीछे एक बड़ी कहानी है शाइस्ता अब्बास के पीछे कि ये कौन है, इनको कहाँ से ढूंढा, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके पीछे। तो आप लोगों को मौका मिलेगा जानने का और मिलने का शाइस्ता अब्बास से, शहरोज सजवारी से, मिस्टर उस्मान पीरजादा से, एंड यस द डायरेक्टर द कैप्टन ऑफ द शिप मिस्टर बरकत सिद्दीकी जिन्होंने डायरेक्ट किया है ये मेगा ड्रामा सीरियल सीप, वो भी हमारे साथ यहाँ पे थोड़ी देर में मौजूद होंगे और जानेंगे उनसे कि क्या है स्टोरी, क्या है इस ड्रामे की, कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। और ये जो ड्रामा सीरियल है सी, ये TV1 पे कल 8 बजे ऑनर होगा, तो आप सब लोग देखिएगा जाके। और फिलहाल अभी आप यहाँ सब मौजूद हैं तो आप लोगों के पास एक चांस है, एक मौका है आप लोगों के पास इनसे मिलने का पर्सनली, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग नीचे आ जाएं, बिकॉज थोड़ी ही देर में जो कास्ट है, जो क्रू है ड्रामे का, मेगा ड्रामा सीरियल सीप का, जिसमें मिस्टर उस्मान पीरजादा साहब हैं, शहरोज सब्जवारी हैं, डायरेक्टर हैं मिस्टर बरकत सिद्दीकी, और जो डेब्यू कर रही हैं शाइस्ता अब्बास, ये सब लोग यहाँ पर थोड़ी देर में मौजूद होंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप लोग सब नीचे आ जाएँ, बिकॉज थोड़ी ही देर में मेगा ड्रामा सीरियल सीप की कास्ट जो है वो हम सब के बीच में होगी। थैंक यू। जी, तो फाइनली कास्ट आ चुकी है मेगा ड्रामा सीरियल सीप की, और सबसे पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मिस्टर बरकत सिद्दीकी जो कि डायरेक्टर हैं, सर आप कुछ बताएं। बिल्कुल सारे एक्टर्स हैं सर, आप इंट्रोड्यूस करवाइए कि क्या है मेगा ड्रामा सीरियल सीप, उसके बाद उस्मान पीरजादा साहब आपसे पूछूँगा आपका क्या करेक्टर है। अस्सलामुअलैकुम, मैं ड्रामा सीरियल सीप का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ, बरकत सिद्दीकी नाम है मेरा, आपने पढ़ लिया होगा स्टैंडिस पे नाम भी लिखे हुए। इस ये सीरियल जो है वो एक नवाब घराने की स्टोरी है। मेरा ख्याल है कि नवाब साहब साथ खड़े हुए हैं तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे लेनी चाहिए कि ये सारी ब्रीफिंग अगर उस्मान साहब दें तो ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। ये एक नवाब फैमिली की कहानी है जो कि बाकी जाओ जलाल तो ख़त्म हो चुके हैं लेकिन वो पैसे नहीं रहे, और नवाब साहब जो हैं लेकिन वो अपने नवाबी ठाट बाट जो हैं उनको इमेजिन करते हैं और ड्रीम करते हैं कि शायद वो उसी जाओ जलाल से रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली बहुत सफ़र कर रही है। और ये बड़ी एक ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ स्क्रिप्ट है, ये टिपिकल सास बहू का इसमें चला नहीं है, ये स्ट्रगल की कहानी है, लोगों की अपनी एनवायरनमेंट के अंदर स्ट्रगल करने की कहानी है। सो आई थिंक आप लोग अगर इसको देखेंगे तो यू विल रियली एंजॉय इट। ये सीरियल कल से ऑन एयर जा रहा है एट 8 o'clock फ्रॉम TV1, सो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखिएगा। जब आप इसको देखेंगे आई एम श्योर कि आप इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसको करते वक्त हमने बहुत एंजॉय किया, और जब एक्टर खुद अपने काम को एंजॉय करता है तो उसको देखने वाले जो हैं वो भी उसको बहुत महसूस होते हैं उससे। आप कुछ कहेंगे? इस सीरियल में पहली दफ़ा हमारे साथ एक आर्टिस्ट काम कर रही हैं, और वो खुद यहाँ पर इस सीरियल को करने के लिए डबलिन से पाकिस्तान आई हैं स्पेशली इस सीरियल को करने के लिए। फर्स्ट टाइम इन्होंने प्ले किया है, डेब्यू सीरियल है इनका, और आप लोग सब जानते होंगे कि हमारी जो फिल्म एक्टर मीरा हैं उनकी छोटी बहन ने ये कैरेक्टर किया है दुर्योधन का, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कल ही डबलिन से वापस आई हैं। तो शाइस्ता अब्बास जो कि आपके सामने हैं। I was very excited to for this moment. Basically, I've been waiting for this moment to communicate with you guys directly. और बहुत अच्छा लग रहा है। Well, see, आप जानते ही हैं कि ऑन एयर हो जाएगा 9 तारीख से, जो कि इतना दूर नहीं है, परसों की बात है। It's already 8. Well, I can't wait to watch that. Story-wise,
बहुत ही डिफरेंट है, जैसे सभी कह रहे हैं कि सास बहू का नहीं है, सर ने अभी आपको बताया है। एक नवाबजादे की स्टोरी है ये, जो जिसने बड़ी ठाट से ज़िंदगी बसर की है हमेशा से, और कन्फ्लिक्शन ये है इसमें, क्या वो हालात नहीं रहे मगर नवाब की शान वैसी वो बरकरार है, और उसका इम्पेक्ट पड़ रहा है नई जो नई जनरेशन है, जैसे कि मैंने रोल प्ले किया है, सना जी ने किया है बेटी का रोल, तो ये लड़की जो है बड़ी डेयरिंग है और हालात बदलना चाहती है, कॉन्सेप्ट बदलना चाहती है अपने जो है नवाब साहब उनकी फैमिली के, उनका जहन बदलना चाहती है, तो रेवोल्यूशनरी थिंकिंग है इस लड़की की, और सबसे प्यारी बात है इंकलाबी सोच है, इंकलाबी सोच है इस लड़की की। उर्दू में बता दीजिए तो आसानी हो जाएगी। हाँ जी, ये जिस लड़की का मैं करेक्टर प्ले कर रही हूँ, ये कभी घर से बाहर नहीं निकली, इसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा, मगर और बाहर क्योंकि फाइनेंशियल को क्या कहते हैं उर्दू में, माली हालात कुछ ऐसे हैं कि घर में भी ऐसी चीज़ें नहीं आती बाहर से, तो जो भी चीज़ें आती हैं बड़ी क्यूरियोसिटीज के साथ हर चीज़ में इंटरेस्ट देती है, और जिस चीज़ को देखती है उसे प्यार हो जाता है, और उसकी लाइफ में कोई दोस्त नहीं है क्योंकि उसे इजाज़त नहीं है, उसको अपना नवाबी ओरा रखना है, अपनी ठाट बरकरार रखनी है अपने दादा की इज्जत में, अपने ख़ानदान की इज्जत में, तो वह आम लोगों से मिलती जुलती नहीं है, मगर जब भी कोई उसके घर में कोई अजनबी आता है उसे प्यार हो जाता है। जैसे कि पूरा ड्रामा नहीं बताना इनको, थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में बताना है आपने, ठीक है, आपने सब बता दिया, मैं पूरा समझ गया क्या है सीन। अब बात करते हैं फहीम अब्बास से जो कि यहाँ पर हैं। फहीम, आपके कैरेक्टर में क्या है, कुछ बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो एट्रियम मॉल की इंतज़ामिया का शुक्रिया कि उन्होंने एक अच्छे म्यारी ड्रामा को समझते हुए हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम आप सब लोगों से मुलाकात कर सकें। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का भी कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग अमूमन ये सुनते हैं कि लोग तनकीद कर रहे होते हैं कि हमारे ड्रामा का मेयार ख़राब हो रहा है। ये जो ड्रामा है नसीब, ये हमने जो हमारे ड्रामा का जो हकीकी मेयार है उसको सामने रखते हुए बनाया। इसमें सबकी मेहनतें शामिल, हमारे डायरेक्टर बरकत सिद्दीकी साहब, इन्होंने अपने दिन रात एक किए, उस्मान पीरजादा साहब, आपने इनको बेशुमार ड्रामास में देखा होगा, मगर कभी इस तरह बाहर आके लोगों के बीच में खड़े होके उन्हें यह बताते हुए नहीं सुना होगा कि ड्रामा अच्छा है इसे देखें। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, और इसका जो कंटेंट है, जो इसकी कहानी है, वो ऐसी है कि आप फैमिली के बीच में बैठ के देख सकते हैं और उससे बहुत कुछ रिलेट कर सकते हैं। ज़िंदगी के नशेबो फराज जो हैं वो आपको समझ आने लगेंगे, और आप बड़े अच्छे एक तफरीही अंदाज में हर हफ्ते इसका इंतज़ार किया करेंगे। तो आप फिरोज सब्जवारी के बड़े भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ जी हाँ। आपके छोटे भाई नज़र नहीं आ रहे हैं मुझको यहाँ। छोटे भाई जो होते हैं उनके दांत में दर्द है, और छोटे भाइयों के नखरे भी होते हैं, वो बड़े भाइयों के बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और मैं यहाँ पे मौजूद। लेकिन कभी कभी छोटे भाई जो है अपने बड़े भाई की इज्जत करते हुए आ जाते हैं, तो फिरोज सब्जवारी बाहर खड़े वो आ रहे हैं। अरे वाह जी बिल्कुल। तो फिरोज सब्जवारी जो है वो आ रहे हैं, तो उससे पहले मुझे बताइए कि उस्मान साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, फिर शायद आप बताइए। भाई मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग रहा। मैं एक जगह पहले भी हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उस वक्त भी मैंने ये कहा कि हम इंतज़ार कर रहे होते थे कि कभी सीन के बीच में हमें जगह मिले और हम उस्मान सर के पास बैठे और इनकी मज़े की बातें सुने, और इन्होंने जी हाँ डेफिनेटली कुछ सीखें। तो मेरा तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, और एक्टिंग के हवाले से बड़ा इन्होंने गाइड भी किया बीच बीच में हमें, और डेफिनेटली हमारे लिए अकेडमीज की तरह उस्मान सर और बाकी भी इनके बैच के जितने भी सीनियर्स हैं हमारे, तो बड़ी खुशी होती है जब ऐसे सीनियर्स के साथ काम करते हैं। शायद सर आप बताइए उस्मान सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? लेजेंडरी के साथ काम करना इज अ प्रिविलेज, और वो भी अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट में, मेरे लिए तो बहुत प्रिविलेज था, और बातें तो वाकई बहुत मज़े की होती थी। हम लोग ज़्यादातर खाने की बातें करते थे, इन्हें कुकिंग बहुत अच्छी आती है, हमने इनकी ऑलमोस्ट सारी रेसिपी सीख ली है। तो सर कुछ बना के लाए थे आप सेट पे, कभी कुछ ऐसा हुआ इत्तेफाक के आप कुछ बना के लाए हो सेट पे? हाँ हाँ, रोज़ बना के लाते थे, बहुत सारी चीज़ें बनाते
बहुत सारी चीज़ें बना के लाते थे, भिंडी बनाते थे, टींडे बनाते थे, घिया बनाते थे, बिल्कुल। और सर शेरोज सजवारी आ चुके हैं हमारे साथ, बनाते थे शेरोज आ चुके हैं, आ जाइए शेरोज दंदान साज के पास। Assalamualaikum everybody, thanks for being here. We are here to promote Seep, जो कल ऑन एयर जा रहा है TV1 पे 8 बजे, और पहली एपिसोड है, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, और ज़रूर देखिएगा ताकि हमें, और फीडबैक दीजिएगा TV1 के पेज पे फेसबुक पे, क्योंकि हम सबका फीडबैक पढ़ते हैं, सुनते हैं, और अब बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग फीडबैक आराम से लिख सकते हैं कहीं भी, तो दीजिएगा जैसा भी आप लोगों को लगे, क्योंकि अभी आगे एपिसोड्स हैं, हम उसमें बेहतरी कर सकते हैं, चीज़ें बदल सकते हैं, बट फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आप वर्क विद फहीम साहब, बिल्कुल शाइस्ता, उस्मान साहब, बरकत भाई एज माई डायरेक्टर, एंड इट वॉज एन ऑनर वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। और उस्मान साहब के साथ काम करने को एक्सपीरियंस, कोई ऐसा कोई फनी मोमेंट या कोई इस तरह की चीज़ हो शेयर हो जो बताना चाहें आप? उस्मान साहब के साथ एक्चुअली मैं बहुत स्ट्रेस में था जब मैं शूट पे आया, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम इनके साथ काम कर रहा हूँ, जब हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है, बड़ा हुआ मैं इनके सामने, आई नो हिज डॉटर्स एंड ऑल, वी ऑल आर फ्रेंड्स, मगर काम करने के लिए वो मेरे अब्बू ने ही मुझे इतना स्ट्रेस दे दिया था कि यार तुम नवाब अगर उस्मान साहब बने तो ज़रा देख लेना, बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत पर्सनैलिटी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, सो बी केयरफुल। मैं जब सेट पे गया तो पहला ही जो हमारा सीन आया उसमें इन्होंने मुझे थप्पड़ लगाना था, तो बरकत भाई एक बहुत नेचुरल डायरेक्टर है, ओके वो कहते हैं कि असली चीज़ें होनी चाहिए, तो उस्मान साहब ने तो मैं बेटों की तरह उनके, उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा, बरकत साहब ने कहा कि असल होना चाहिए वरना वो नज़र नहीं आएगा। खैर तो फाइनली डिसीजन पहुँचा कि थप्पड़ लगा देते हैं, वो एक थप्पड़ मार दिया उन्होंने, कट हो गया, ओके हो गया, फिर पता चला कि बरकत साहब ने वही शॉट यहाँ से भी लेना है, फिर उसका एक मास्टर शॉट भी बनना है, तो 4-5 थप्पड़ खाए पहले दिन, बस अल्लाह करे आप लोगों को ड्रामा, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो बहुत ही थप्पड़ बेकार चले जाएंगे, थप्पड़ रायगा चला, तो आप लोगों ने देखना है कि सही बोले सर के थप्पड़ रायगा ना चले जाए इनका, तो उस थप्पड़ के लिए ठीक है ना, वो सीन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को बता दिए क्या हुआ था उस सीन में, तो थप्पड़ का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा बरकत भाई आप बताइए, बरकत सिद्दीकी साहब, कि उस्मान साहब को कन्विंस करना कितना मुश्किल था, कितना आसान था, कोई इसके पीछे भी कहानी है, आपने मुझे बताई थी एकदम। मुश्किल तो मुझे लग रहा था जब मैंने उस्मान भाई को फ़ोन किया, लाहौर में थे उस वक्त, और मैंने कहा कि उस्मान भाई आपसे एक प्ले करना है आपके साथ, टाइम है, तो उन्होंने कहा यार टाइम तो नहीं है, और ऑलरेडी स्क्रिप्ट मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं, तो मैं वही मायूस हो गया, मैंने कहा यार ये नवाब साहब तो गए, अब तो मुश्किल है, क्योंकि अब दूसरा नवाब मुझे नज़र नहीं आ रहा था अब हमारी कास्ट में, तो मैंने कहा अब अल्लाह खैर करे, मैंने TV1 बात कर ली, मैंने कहा हो सकता है कि हम इसको लेट करेंगे, तो इत्तेफाक से इन्होंने कहा कि बरकत तुम मुझे एपिसोड भेज दो, एपिसोड भेजने के बाद इन्होंने कहा कि मज़ीद एपिसोड भेजो, तो मेरे मुझे 1800 चले, अल्लाह मियाँ कुछ मदद करने वाले हैं हमारे इस सिलसिले में, तो बहरहाल फाइनली ये हुआ कि उस्मान साहब ने मेरी सीरियल को साइन किया, और मैं बहुत खुश हुआ इनके साथ काम करके, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, मैं ये समझता हूँ कि इन जैसा एक्टर बहुत कम पैदा हुआ, बिल्कुल। और अब मेरे ख्याल से प्रोमो दिखा दिया जाए सब लोगों को, जी ज़रूर, सीट का प्रोमो चला दीजिए प्लीज़।